अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। इस बीच अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया है। उन्होंने होटल ललित के बाहर लगे बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का बैनर चिपका दिया। वही बैनर भगवा रंग से रंगा हुआ है। वहीं पहले भी हिंदू संगठन ये मांग उठाते रहे कि बाबर रोड के साथ अन्य मुगल शासकों के नाम से जो सड़कें हैं उनके नाम बदल देने चाहिए। अयोध्या में जब राम मंदिर के निर्माण के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे मौके पर हिंदू सेना ने ये पोस्टर चिपका कर इस मांग को एक बार फिर उठा दिया है। बताया जाता है कि मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ही अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद कई संघर्ष हुए, हजारों लोगों की जाने गई थी। 500 साल बाद आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसी जगह पर होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हिंदू संगठनों का मुगल विरोध एक बार फिर सामने आया है। दरअसल पिछले 5-7 सालों के दौरान दिल्ली की दर्जन भर से ज्यादा सड़कों के नाम बदले जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण है कर्तव्य पथ का, जिसे लोग राजपथ के नाम से जानते थे। 2019 में दिल्ली सरकार ने मुकरबा चौक का नामकरण कारगिल वॉर के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से किया था। साथ ही मेहरौली बदरपुर रोड का नाम भी आचार्य महाप्रज्ञ मार्ग किया गया है। साथ ही प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदलकर सुप्रीम कोर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा बदलाव नई दिल्ली की सड़कों पर ही देखने को मिला। बता दें कि 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग किया गया है। वही 2016 में प्रधानमंत्री की आवास के बाहर वाली रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। 2017 में डलहौजी रोड का नाम भी बदलकर दारशिकोह रोड किया गया है, जबकि 2018 में तीन मूर्ति चौक के नाम में बदलाव कर इसे तीन मूर्ति आईफा चौक का नाम दिया गया है। वही राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कागजों और साइनिस पर नाम बदल देने के बाद भी आम लोग आखिर नए नामों के साथ जुड़ाव क्यों नहीं बना पाते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।